सुपरस्टार पवन सिंह का एक गाना जो कि सभी को अपना दीवाना बनाया हुआ है। गाने का नाम है महादेव का दीवाना। हफ्ते में इस गाने ने भाई 1 करोड़ व्यूज हासिल किए हैं। जी हाँ, 10 मिलियन व्यूज इसके हो गए हैं यूट्यूब पे। इसे तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने देख लिया है और लोगों को ये गाना बहुत पसंद आ रहा है। जी हाँ, अभी तक जितने भी बोलबम के गाने रिलीज हुए हैं, जितने सिंगरों के भी गाने रिलीज हुए हैं, उनमें सबसे अधिक किसी का व्यू है तो वो पवन सिंह का है। और पवन सिंह का ये गाना वायरल हो गया है। वहीं पर खेसारी लाल यादव हों या रितेश पांडे हों, अरविंद अकेला कल्लू हों या प्रवेश लाल यादव हों, सभी के गानों को पछाड़ते हुए बोलबम का महादेव का दीवाना ने भाई सभी के दिलों में जगह बना ली है। जी हाँ, इस गाने को सुनने के बाद लोगों का कहना है कि गाना बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। इसके लिए राइटर अखिलेश कश्यप का धन्यवाद देना चाहिए पवन सिंह को। और आपको बता दें कि पवन सिंह का गाना मीठा मीठा बातें कमरिया ने 55 मिलियन व्यूज हासिल कर जी हाँ, इस गाने ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। साथ ही आगे की बात करें तो पवन के और भी कई गाने हैं जो बोलबम के कई गाने अभी रिलीज़ होने बाकी हैं। उसके लिए भी कहना यही है कि वो गाने भी किसी तरह से सुपर डुपर हिट होंगे। वैसे आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह का एक और बोलबम का गाना जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। इससे रिलेटेड हर एक जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।